उत्तर प्रदेश के आगरा से सबकी बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की टीम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। जिला अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डेंगू को लेकर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। डेंगू वार्ड में खामियां मिली हैं। गंदगी को देख टीम ने नाराजगी जताई है। जिला अस्पताल के कर्मियों की फटकार लगाई है। बढ़ते डेंगू के प्रकोप को लेकर जाँच करने पहुँची थी टीम। डेंगू के वार्ड में संदिग्ध मरीज था भर्ती। विशेष टीम ने दिए कड़े दिशा निर्देश। रिपोर्ट सौंपने के बाद जिला अस्पताल पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। आगरा के जिला अस्पताल का है पूरा मामला। डॉक्टर अशोक कुमार अग्रवाल, CMA जिला चिकित्सालय आगरा। दिल्ली की टीम आई थी डेंगू लेकर, लगातार डेंगू वो ये देख रहे थे कि हमारे जिला अस्पताल जो डेंगू के मरीजों को इलाज किस तरीके से कर रहे हैं, किस हम रूल्स को मानना है, SOP वगैरह है या नहीं है, किस तरह जांच होती है। हमारे वार्ड्स को भी उन्होंने चेक करा है, क्या कमी है क्या कमी नहीं है। खामियाँ भी मिली हैं, गंदगी मिली है। हाँ सर, पूरी गंदगी मिली है ये पता लगा मेरे को जी। तो ये हमारी कमी है सर। क्या कार्रवाई सर अभी और इनसे बताते हैं। लापरवाही तो नहीं मानेंगे। आज OPD हमारी लगभग 4000 मरीज आया है, काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए कहना जी लापरवाही कहना नहीं, लेकिन अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। मैं इन लोगों को और बात करता हूँ सर। डेंगू के पेशेंट की बात, डेंगू का मरीज एक सस्पेक्टेड करके जब आप भर्ती किया गया है, वो दिल्ली से आया है, हमारे यहाँ उसका सैंपल भेज दिया गया, उसकी रिपोर्ट अभी अवेटेड है, तो उसे अभी डेंगू मानना ठीक नहीं है। बाहर का पेशेंट तो अभी उसको डेंगू नहीं मानेंगे अभी। सर डेंगू के ही बाद में देखा गया कि कूलर में पानी भरा हुआ था, तमाम गंदगी को देख करके टीम ने निरीक्षण करते हुए क्या ये ठीक नहीं था सर। ये बोला भी था इन लोगों से, देख लें, देख भी रहे थे, पता नहीं किस लेवल पर ये गड़बड़ी हुई है।